अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में शामिल करने का इम्कान। कानून के तहत डीजी नैब किसी भी मुलजिम का नाम ईसीएल में शामिल करने के लिए चेयरमैन नैब को खत लिखते हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ असलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। असलान रफीक, आगाह कीजिएगा इस पेशरफ से मुतल्लिक। जी, इसमें यह है कि आशियाना स्कैंडल में जो आज जो है उनको शहबाज शरीफ को पेश किया गया नैब अदालत में, और उनकी जानब से नैब की जानब से जो है शहबाज शरीफ का नाम जो है ईसीएल डालने में शामिल करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नैब के जराये के मुताबिक कानून के तहत, नैब कानून के तहत जो डायरेक्टर जनरल नैब है वो मियां शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में शामिल करने के लिए चेयरमैन नैब को खत लिखेंगे, और उनके साथ साथ जो है नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर सदर का नाम पहले ही ईसीएल में शामिल है। तो इस हवाले से जो भी मुलजमान होते हैं इसमें नैब के हवाले से, वो तमाम के तमाम जो है वो उनका नाम जो है फौरी तौर पर ईसीएल में, चूंकि आज चीमा और फवाद हसन फवाद का नाम पहले ही जो है वो नैब जराए कानून के मुताबिक जो है वो ईसीएल में डाला जा चुका है। तो जराए इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ का नाम भी ईसीएल में आइंदा कुछ दिन में या 24 घंटे में या 48 घंटे में जो है ये खास बाकायदा तौर पर लिख दिया जाएगा, और उनका नाम जो है इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कभी इम्कान है कि उनका नाम जो है वो ईसीएल में शामिल कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ असलान रफीक भट्टी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।